नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट हैं, उन कंटेस्टेंट की वीक बाय वीक जो हम डिकोडिंग कर रहे हैं, उनके खेल की उनकी जर्नी की जो हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, उनके खेल को समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं आरती सिंह की। देखिए, आरती सिंह क्या है कि गोविंदा की भांजी है, कृष्णा की बहन है, इसके अलावा उनकी एक और पहचान है। क्या है कि नासा वाले मतलब बेहोश होते होते बच गए, जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ, संसार में एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी इंसान है जो कि बगैर रीढ़ की हड्डी के भी जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है बल्कि बिग बॉस जैसे शो में भरपल्ले से पेड़ पिकनिक का पूरा लुत्फ उठा रही है। अब आपको तो पता ही है कि हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत हो जाए, जैसे कि डेबोलिना भट्टाचार्य को L3 L4 का जो इश्यू हुआ, उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा। सो बेसिकली आरती की ये सबसे बड़ी पहचान है कि बगैर रीढ़ की हड्डी के भी वो भरपूर तरीके से नेशनल टीवी पर टिकी हुई हैं, बिग बॉस के अंदर टिकी हुई हैं, भले ही उनकी कोई खेल में एक इंपॉर्टेंस हो ना हो, कंटेंट हो ना हो, खुद का ओपिनियन हो ना हो, वो है दूसरों पर डिपेंडेंट, लेकिन कहती हैं खुद को इंडिपेंडेंट। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो आरती सिंह एक ऐसी इंसान है जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि बगैर रीढ़ की हड्डी का इंसान कैसा होता है, डोरमेट कैसा होता है। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो इनकी एक पहचान बनी चुकी है। आई थिंक अब्दुल्ला जो था वो बेचारा बहुत सालों से अकेलापन महसूस कर रहा होगा कि यार हर बार मुझे ही कोसा जाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई अब्दुल्ली तो आए। तो अब अब्दुल्ली नहीं, बेगानी शादी में आरती आ चुकी, तो कहीं ना कहीं अब अब्दुल्ला जब वो रेस्ट कर सकता है, क्योंकि बेगानी शादी में कूदने के जो रिकॉर्ड आरती ने बनाए हैं, ऐसे ऐसे मैटर जहां पर इनकी कोई जरूरत नहीं है वहां टबुक करके कूद जाती है, और जहां इनको कूदना चाहिए जैसे कि रश्मि और शुक्ला का मैटर, वहां ये एकदम सेफ खेल गए कि नहीं भैया मेरे दोस्त हैं, मैं दोनों जगह नहीं जाऊंगी। लेकिन जब हिना और प्रियंका आए थे तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि रश्मि अल्पी देव फॉर यू, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन मैडम बिल्कुल भी नहीं कूदी वहां पर, बहुत ज्यादा सेफ खेल गई। लेकिन विशाल आदित्य सिंह की बात हो, आसिम की कुछ बात हो, तो इनको बहुत ज्यादा गुर्दे छिलते हैं। आसिम ने इन्हें चिट्ठी दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा रोई थी, तो इन्होंने चिट्ठी पढ़ी, प्यार से पढ़ी, लेकिन अगर आसिम मायरा को चिट्ठी नहीं दे रहा तो ये बड़ी अम्मा बन के बीच में कूद गई थी, आपको तो याद ही होगा। वहीं शुक्ला इनको भर भर के कोसता, भर भर के सुनाता है, लेकिन ये डोरमेट बनी है तो बस पहुंच जाती है उसके पास तलवे चाटने के लिए। आरती सिंह जब आई थी तो लगा था कि भाई बड़ी सेंसिबल इंसान होगी, बहुत ही क्लियर माइंडसेट लेकर के आई होंगी, काफी अच्छी फैमिली से हैं, और वैसे देखा जाए तो टीवी का कोई बहुत बड़ा नाम है नहीं ये, जस्ट बिकॉज गोविंदा की भांजी है और कृष्णा की बहन है, और आपको तो पता ही है कपिल शर्मा शो में सलमान खान प्रोड्यूसर है और कृष्णा उस शो का एक जबरदस्त पार्ट है। तो आरती को आपने देखा भी होगा वीकेंड पर सलमान खान कुछ बहुत ज्यादा कहते नहीं है, ज्यादा बातचीत या इंटरेक्शन होता नहीं है। आरती इस घर की सबसे पहली कप्तान बनी, और उन्हें जब पता चला कि भैया रश्मि देसाई से ज्यादा उन्हें वोट मिले, तो आरती ने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल कर लिया है। वो हमेशा एक चीज कहती पाई गई है कि मुझे रश्मि देसाई से ज्यादा वोट मिले हैं। अब अगर कल को ये चीज बाहर जाकर उन्हें पता चले कि भाई वो तो चैनल का एक ड्रामा था, उनको रश्मि डेबोलिना को एक सदमा देना था कि गेम सुधार लो, और वापस तो ले ही आए थे, अगर ये चीज पता चलेगी तो शायद और ज्यादा गुर्दे छिल जाएंगे। लेकिन तब क्या है कि हम देख नहीं पाएंगे वो चीज, क्योंकि कैमरे नहीं होंगे ना वहां पर। एनीवे, तो आरती का यहाँ आना भी एक प्री प्लान स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जब बिग बॉस 13 स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले कई तरह की न्यूज आ रही थी कि आरती सिंह सिद्धार्थ शुक्ला की जिम पार्टनर थी, ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और साथ में जिम भी करते थे। सो जैसे ही आरती को पता चला कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला तो यार 2-3 महीने के लिए बिग बॉस में जाएगा और कलर्स का फेस रह चुका है, तो जाहिर सी बात है वो 10-15 वीक तो टिक नहीं वाला है, मैं इतने दिन तक कैसे दूर रुपयाऊंगी, तो मैं भी जाऊंगी। तो उसके एलियन वाले जो एंटीना है वो उसने पहने शुक्ला और कृष्णा के माइंड में उसने टेलीपैथी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और शुक्ला और कृष्णा ने सलमान भाई से कॉन्टेक्ट किया, तो लो भाई पहुंच गए। सलमान भाई तो देखो ना, अपने दोस्त सिद्धार्थ डे तक को ले आए थे, अबू मलिक को ले आए थे, तो आरती कौन सी बड़ी बात है। तो आरती बगैर किसी मेहनत के बिग बॉस के घर में आ गई, और ऐसी आई कि अब तक डटी हुई है, ना इविक्शन होता है ना कुछ होता है, कोई योगदान शो में है नहीं, बस एक झुंड में चलना है, लेकिन बोलना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। स्टार्ट में इन्होंने पारस से दोस्ती की, एक भाई बहन का रिश्ता टाइप का बनाया, फिर पारस से लड़ पड़ी, शुक्ला से लड़ी, फिर शुक्ला के तलवे चाटे, फिर लड़ी, फिर तलवे चाटे, फिर लड़ी, फिर तलवे चाटे। आसिम से शुक्ला की दोस्ती बढ़ती रही तो इन्हें काफी ज्यादा जेलिसी हुई, और उससे ज्यादा जेलिसी तब हुई जब सना शुक्ला के ज्यादा नजदीक गई। सना और शुक्ला की रिलेशनशिप को ये बाप बेटी का दर्जा देती है। अब मुझे तो नहीं पता कि कौन सा बाप बेटी इस तरह सोते हैं जैसे बेटी के ऊपर पैर रख के शुक्ला सोता है, तो आरती के दिमाग में क्या चलता है ये तो हमें
कभी समझ में आ नहीं सकता। नासा वाले खुद कंफ्यूज हैं कि यार इसके ये एंटीने इतने पावरफुल कैसे कि एलियन इसको कांटेक्ट करते हैं, इसके दिमाग में अतरंगी चीजें होती हैं। जब वो एंटीने लगाती तो कुछ और बोलती, जब एंटीने उतार देती है तो कुछ और बोलती। अब तो उसके एंटीने पूरी तरह से उखड़ चुके हैं, तब से वो बौखला चुकी है, कोई योगदान कोई कंटेंट है ही नहीं। इन्हें आसिफ दिखाई दे जाता है कि उसके हाथ में चोट है लेकिन वो जिम कैसे कर सकता है, लेकिन शुक्ला टाइफाइड है, स्मोक कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। एक बार तो वर्कआउट करता भी दिखा लेकिन बेडशीट उठाने की या झाड़ू उठाने की ताकत नहीं उसके अंदर। तो अव्वल नंबर की दोगली प्राणी साबित कर रही हैं आरती सिंह खुद को। सो तमाम बातों का एक लब्बुल लबाब यह है कि आरती सिंह बेफजूल में बिग बॉस के अंदर हैं। वो अगर बिग बॉस में नहीं भी होती, वो या माहिरा ये नहीं भी होते तो शो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शो में इनका इंपॉर्टेंस कंटेंट कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ एक तरह का पेड पिकनिक मना रहे हैं और कुछ नहीं। सो ये है आरती सिंह की जर्नी बिग बॉस 13 की। कुछ पॉइंट्स अगर मैं भूल गया हूं तो आप कमेंट करके वो मेंशन कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, आरती सिंह की जर्नी के बारे में? क्या आपको नहीं लग रहा कि रीढ़ की हड्डी के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है? आरती सिंह इस बात का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। खुद की थॉट प्रोसेस है नहीं, खुद का वजूद है नहीं, खुद का अस्तित्व है नहीं। मामा के नाम से, भाई के नाम से शो के अंदर आ गई और शो के अंदर टिकी हैं सिद्धार्थ शुक्ला के आसपास रहकर उसके तलवे चाटते हुए। खुद का कुछ थॉट प्रोसेस या योगदान शो में है ही नहीं। जिधर वजन उधर भजन का जो टैग है उसको जस्टिफाई करती हैं आरती सिंह। आपके ओपिनियन भेजिएगा मेरे पास कमेंट के थ्रू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके ओपिनियन शेयर करें इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो, और आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।